दोस्तों आज हम बात करेंगे पबजी के लोगों के बारे में। हाँ, कि हम अच्छे से अच्छे लोगों उस पबजी के लिए कैसे बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक तो बनता है। तो पबजी के अच्छे से अच्छे लोगों के लिए हमें आना पड़ेगा क्रोम पे। जैसे कि मैं क्रोम पे आ चुका हूँ, क्रोम पे आने के बाद मुझे सर्च पे टाइप करना है पबजी डेंजरस लोगो। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छे लोगोस आ रहे हैं। आप इमेज पे जाके और लोगोस देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब लोगो। आप इनमें से जो पसंद आता है आप वो लोगो तो आप डाउनलोड करके ले कर ही सकते हैं। डाउनलोड करने का भी तरीका बता दूँ मैं। इसको आप क्लिक करके रखेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। लेकिन मुझे डाउनलोड नहीं करना। मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं पबजी लोगोस। क्लिक करेंगे इस पर, पबजी लोगोस पे क्लिक करने के बाद, हाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। फिर इनमें से आपको जो लोगो पसंद आ रहा है, अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं टीम नेम, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपकी टीम का नाम लिख के आप अपनी टीम के जैसे लोगोस डाउनलोड करके लगा सकते हैं। मान लेना मुझे ये वाले लोगोस डाउनलोड करनी है, मुझे ये लोगो अच्छा लगा, तो इसको वापस से टैप करूँगा मैं। टैप करने के बाद एक गाइस, जब आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाए तो आपको करना क्या है, तो आपको अगर आप डाउनलोड करते हैं यहाँ से फ़ोटो तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आपको पैसे नहीं देना, अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं चेंज कर रहा, मेरे पास पहले से ही ये फ़ोटोज़ हैं, इसलिए मैंने लोगो पहले से ही बना लिया है। तो आपको करना है कि यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको क्रॉप कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको क्रॉप कर दिया, अब इसको सेव कर देते हैं। होने के बाद आपको पिक्सलैब ओपन करना है। हाँ, ये वाला पिक्सलैब जो कि एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है, हाँ सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और ऊपर से इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद यहाँ से जो टेक्स्ट था वो हट गया। तो हमें इसका एक कलर लेना है भाई, हमें एक कलर चेंज करना है। तो पहले कलर ले लिया भाई हमने, जो कलर हमें अपने को लेना था। यहाँ से हम ये ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, टिक कर दिया ये करने के बाद। उसके बाद हमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दे देता है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले में आपका यह इमेज आ जाएगी। तो क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रॉप करना नहीं है, बस हम यहाँ से। हाँ, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका ये जो उसका जो बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर है, अगर वो प्लेन होता तो हम इसके द्वारा इसको वो कर सकते थे, मतलब इसके द्वारा इसका बैकग्राउंड हटा सकते थे। लेकिन इसका प्लेन नहीं है, इस कारण हम इसको ऑफ करना पड़ेगा। अब हमें इरेज पे जाना है। इरेज पे जाने के हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से इरेज करते हैं बिल्कुल। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भाई मेरा जो मैंने इमेज क्रिएट की थी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब पबजी के लिए बिल्कुल रेडी है इमेज। अब जल्दी से जाके मैं इसको पबजी में सेट कर दूंगा, पबजी में लोगों में। तो आप भी ऐसे लोगों बना सकते हैं। तो इतनी वीडियो से वीडियो ख़त्म होती है।